हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कहानी में हमने पढ़ा था कि रोहित जो है वो पिछले यानी दादाजी की जो डायरी मिली थी उसमें स्कूल का जो वर्णन था उसका वर्णन करता है कि एक विशेष भवन होता है जहाँ पे सभी बच्चे जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, उसे स्कूल कहा जाता था। बच्चों देखो, ये कुम्मी है तो यहाँ पे किस प्रकार से कंप्यूटर या लैपटॉप कह सकते उसके माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो इसीलिए वो उसे ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से पढ़ाई करना बहुत बोर हो जाता है क्योंकि ये मशीन है, और यदि हमें कोई सर या टीचर पढ़ाते हैं तो ज्यादा मजा आता है क्योंकि उनसे हम बातें भी कर पाते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन रहते हैं उसे भी डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तो अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? अब कुम्मी सोचती थी कि हम लोग तो मशीन के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उसके मन में कई सारे प्रश्न आते हैं और वो कहती है, क्या सब बच्चे एक ही समय पे एक जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। जैसे कि हम देखेंगे, अभी मान लो 6 इयर्स का कोई स्टूडेंट है तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेगा, तो एक ही उम्र के बच्चे एक क्लास में पढ़ेंगे। मान लो कोई 3 इयर्स का बेबी है तो वो नर्सरी में पढ़ेगा, तो उसके उम्र के सभी बच्चे एक ही क्लास में पढ़ेंगे, तो उनको एक साथ समान नॉलेज या समान ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? अब कुम्मी कहती है कि मेरी माँ तो कहती है कि जो मशीनी अध्यापक होते हैं यानी मशीनरी टीचर जो होते हैं वो हर बच्चे को उनकी समझ के अकॉर्डिंग यानी उनके माइंड के अकॉर्डिंग, उनकी स्मृति के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाते हैं। फिर वो कहती है कि पुराने जमाने में यह कैसे संभव हो पाता होगा कि सभी बच्चों को उनके उनकी मस्तिष्क के अकॉर्डिंग, उनके ज्ञान के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। फिर रोहित बोलता है कि यदि तुम्हारी इच्छा उस पुस्तक को पढ़ने की नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। अजीब यानी विचित्र, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नई नई बातें। कुम्मी कहती कि नहीं नहीं, मुझे वो डायरी पढ़ना है क्योंकि मुझे जानना है कि वहां पे कौन कौन सी बातें होती थी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। सबक का यानी पढ़ाई का या नए पाठ पढ़ने का समय। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। यहाँ पे रोहित और कुम्मी दोनों दोस्त हैं। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे कुम्मी और रोहित दोनों मशीन के माध्यम से पढ़ते थे, तो वो मशीन के आगे पाठ पढ़ने के लिए तैयार हो गई। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। जैसा कि हम स्कूल जाते तो हमारा जैसे कभी फर्स्ट पीरियड होता है इंग्लिश, कभी होता है मैथ्स, तो उसका फर्स्ट जो था विषय वो था गणित यानी कि मैथ्स। कल का होमवर्क छेद में डालो। छेद में डालो यानी एक प्रकार से वो मशीन में कोई होल रहता होगा जिसमें जो भी होमवर्क रहता है वो सेंड करना होता था। कुम्मी ने वैसे ही किया। वो सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। अब कुम्मी जब पढ़ती रहती अपना मैथ्स का, तो उसके मन में विचार आता है कि काश हम भी वैसे ही कोई भवन में जाते जिसे कि स्कूल कहते हैं, और बहुत सारे बच्चों के साथ जाते, हंसते खेलते कूदते, और जहाँ पे हमें सर और टीचर्स पढ़ाते। क्योंकि मशीनरी पढ़ाई में ये है कि हमको खेलने कूदने हंसने और अपने फ्रेंड बनाने का मौका नहीं मिलता, बट स्कूल एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पे हम सभी लोगों से मिलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, हंसते हैं, खाते हैं और कई ज्ञान की बातें भी सीखते हैं। इसमें से मशीन से स्वराना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक एवं अंक आने शुरू हो गए। जब वो ये सारी बातें सोच रही थी तब एकदम से उसका ध्यान गया कि मशीन से आवाज आ रही थी, स्वर यानी आवाज। आवाज आनी शुरू हो गई और पर्दे पे चलते हुए अक्षर यानी मॉनिटर कह सकते हैं कि
उसकी स्क्रीन पे अक्षर और अंक कुछ आने शुरू हो गए और कुम्मी सोच रही थी तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। बट कुम्मी के मन में यही चल रहा था कि स्कूल जाने का एक अलग ही आनंद होता है और वहाँ जाके बच्चे कितने खुश रहते होंगे। तो इस प्रकार से आइजक असिमोव ने ये जो विज्ञान कथा लिखी है इसमें विज्ञान के माध्यम से, मशीन के माध्यम से पढ़ाई का वर्णन किया है और एक डायरी के माध्यम से ये बताया है कि प्राचीन समय में जब टीचर्स यानी सर मैडम हमें एक प्रॉपर स्कूल में पढ़ाते थे उसका वर्णन है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार की पढ़ाइयों का वर्णन किया है, विज्ञान के माध्यम से और ह्यूमन बीइंग के माध्यम से। तो ये जो विज्ञान कथा बहुत ही अच्छी है और कहीं ना कहीं अभी हम देखते हैं कि अभी जो एट प्रेजेंट कंडीशन है वो ऐसी ही है कि हमें विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ रही है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विज्ञान कथा बहुत अच्छी लगी होगी।